आपको। बताऊं ये रहस्य, आपको सब कुछ देता है, खुशियां, सेहत और दौलत। आप जो भी चाहे वो पा सकते हैं, जो भी चाहे बन सकते हैं। हम जो कुछ भी चाहे उसे पा सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हैं? आप करोड़पति बनना चाहते हैं? किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? आपकी असली चाहत क्या है? मैंने लोगों की जिंदगियों में बहुत से चमत्कार होते देखे हैं, आर्थिक चमत्कार, बीमारी से ठीक होने के चमत्कार, मानसिक उपचार, यहाँ तक कि रिश्तों में सुधार। ये सब कुछ मुमकिन हुआ क्योंकि रहस्य को अमल में लाना हम जान गए थे। ये जीवन का एक महान रहस्य है। आप शायद बैठे सोच रहे होंगे ये रहस्य है क्या। मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है, हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के एक अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं, और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इसे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका ये है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में: विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है, या अपने जीवन साथी को पाना है। जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है हर इंसान के साथ। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है।
आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं, वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा, हमेशा। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है, ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। सृजन होता ही रहता है। जब भी एक इंसान को सोचता है या कई दिनों तक एक ही बात को सोचता रहता है, तब वो सृजन की अवस्था में होता है और उन विचारों से कुछ न कुछ जरूर बनेगा। आकर्षण के सिद्धांत से आपको वो सब मिलेगा जिसके बारे में आप सोचते हैं। यानी अगर आप शिकायत करते हैं कि ये कितना खराब है, तो आप और भी खराब हालात पैदा कर रहे हैं। ये क्या है? मैं ये नहीं खा सकता। मेरा एक स्टूडेंट था, नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट एक गे था और वो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था जिसमें वो मुझे ईमेल किया करता था। वो अपनी जिंदगी की सारी दुश्वारियां उस ईमेल में मुझे लिखता। दफ्तर में सब लोग उसकी खिंचाई करते और वो हमेशा तनाव में रहता, क्योंकि सभी उसके साथ बदसलूकी करते थे। जब वो सड़क पर चलता तो उसे गे लोगों से नफरत करने वाले घेर लेते और उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था, और जब उसने अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो किया तो सबने उसे परेशान किया, दफा हो जाओ यहां से, उसके गे होने की वजह से। इस तरह उसकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी पड़ी थी, और ये सब उस एक ख्याल की वजह से था कि उसे गे होने की वजह से परेशान किया जाता है। मैंने उसे ये सिखाना शुरू किया कि वो अपना ध्यान इन सब बातों से हटा ले। मैंने उसे उसका लिखा ईमेल दिया और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सब बातों को देखो जो तुम नहीं चाहते और मुझे बता रहे हो। मैं जानता हूँ इसे लेकर तुम कितने आवेश में हो। जब आप किसी बात पर आवेश के साथ सोचते हैं तो वो उतनी जल्दी घटित होती है, और उसके बाद उसने जिस चीज की चाहत है उस पर ध्यान लगाने की बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। और इसके करीब 6 से 8 हफ्तों के अंदर जो हुआ वो एक चमत्कार था। उसने कहा कि वो सभी लोग जो उसे परेशान किया करते थे, वो या तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए गए या उसे उसके हाल पर छोड़ने लगे, और अब उसे अपनी नौकरी भाने लगी। उसने पाया कि जब वो सड़क पर चलता तो किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, वो लोग जैसे गायब हो गए। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जब वो अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करता, लोग तालियों से उसकी हौसला अफजाई करते। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने अपनी सोच बदली। वो क्या नहीं चाहता, किससे घबराता है, किसे टालना चाहता है, इनसे हटकर वो जो चाहता है वो सोचने लगा। तो हमें अपनी सोच और नजरिए में बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम पॉजिटिव लोगों और पॉजिटिव हालातों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन जब हम नेगेटिव होते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में नेगेटिव और गुस्से लोगों और नेगेटिव हालातों को आकर्षित करते हैं, और फिर आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन प्रबल विचारों को जिन्हें आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है। चाहे वो विचार सचेत मन के हों या अचेत मन के हों, वो आकर्षित होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य और हमारे दिमाग की शक्ति और इरादे की शक्ति की हो,
तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण के सिद्धांत को आप हर तरफ देख सकते हैं। हर चीज को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोग, नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, वो कार जिसे आप चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसमें आप रहते हैं, चुंबक की तरह उन सबको आपने अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहे विचारों का एक ठोस स्वरूप है। मैं इस नजरिए से ये बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल या कोई ख्याली पागलपन है या दिमागी खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिक्स भी दरअसल इसी खोज की ओर इशारा कर रहा है, जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दुनिया नहीं हो सकती जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं आप। जानते हैं ये कैसे काम करती है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और आप इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने नेगेटिव विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी नेगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो फिक्र करने वाली एक बात तो यहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी बात है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते, ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचें, समझें और फिर अपना फैसला लें। तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए, विचारों को ध्यान से चुनना चाहिए और इसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो जिसकी मूर्तियां बना रहे हैं वो आप हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है।